हेलो भाई मन पवार, सपोज कीजिए आपके वहां पे हमारी तरह इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, बादल हो रहे हैं, एकदम सुहाना सुहाना मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है, और आप चाहते हैं अपनी गाड़ी में बैठ के चिल करना। चिल कैसे करोगे? आप बढ़िया से गाने चला लोगे और आराम से गाने सुनते रहोगे। एसी आप ऑन करोगे नहीं, क्योंकि भाई बारिश हुई है, ठंडा मौसम है, तो एसी की वैसी जरूरत नहीं है। अभी आपने सोचा है कि अगर हम इसमें बैठ के गाने सुनते हैं तो बहुत लोगों को ये रहता है कंसर्न कि भाई कहीं बैटरी वीक ना हो जाए। तो जब स्टेशनरी गाड़ी में हम अपने गाने सुनते हैं भाई, तो वो इस बैटरी के थ्रू रन होता है सारा सिस्टम, चाहे इग्निशन की बात हो। जब तक आप कोई भी इंजन ऑन नहीं करते हो तब तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती है। जैसे आप चलाते हो या इंजन ऑन हो जाता है तो अल्टरनेटर के थ्रू आपकी बैटरी चार्ज होने लग जाती है, लेकिन जब तक आपका इंजन ऑन नहीं रहता है तब तक सारा सिस्टम आपकी बैटरी पर ही रन होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में अलग अलग तरीके की आपको बैटरीज मिलती है। पेट्रोल गाड़ीज में थोड़ी सी छोटी बैटरी होती है, आपने अगर कभी नोटिस कराओ, क्योंकि उनका आराम से स्पार्क प्लग होता है, तो आराम से स्टार्ट करने के लिए छोटी बैटरी से करंट सफिशिएंट रहता है। लेकिन अगर आप डीजल इंजन की बात करते हो तो इनमें बड़ी स्टार्टर मोटर्स होते हैं, जिसके लिए भाई हाई करंट से ये होता है। इसीलिए जब आप नोटिस करोगे, जो डीजल इंजन होते हैं उनमें बड़ी बैटरीज होती है, जैसे थार का मैं आपको दिखाता हूं, इसमें अमेरोन की इतनी बड़ी बैटरी आती है। भाई हमारी सेल्टोस की अगर आप बात करोगे तो इसमें थोड़ी सी इसके कंपैरेटिवली छोटी बैटरी है। चलो अब बात करते हैं हम इस वीडियो में करने के वाले हैं। तो भाई जैसे हम नॉर्मली कई बार गाड़ी के अंदर बैठ के गाने सुनते हैं और चिंता हो ही रहती है कि यार एक डेढ़ घंटे गाने सुन लिया, बंद कर दो, तो कोई बैटरी बोल दे स्टार्ट भी नहीं होगी गाड़ी, तो वो आज हम टेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि भाई जो ये बैटरीज होती हैं डीजल इंजन में, बड़ी बैटरी जिस हम देखते हैं, वो अगर हम गाने सुनते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के तो कितनी देर चलता है। ये आज भ्रम तोड़ेंगे हम। आज चाहे रात पूरी गुजर जाए, लेकिन हम गाड़ी के अंदर देखने वाले हैं कि भाई हमारी गाड़ी की बैटरी कितनी देर चलेगी। तो हमारे पास अभी दो गाड़ियां हैं, ये थार रही, ये किया सेल्टोस रही, दोनों फुल चार्ज हैं, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं से चल के आई थी। जब ये खड़ी रहती है ना 10-15 दिन, तो धीरे धीरे बैटरी वीक होने लग जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में वो चलते रहते हैं, जैसे इसके काफी सेंटर लॉकिंग हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम जो होते हैं वो बैकग्राउंड में आपके रन करते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी माइनर वो बैटरीज कंज्यूम करते रहते हैं, लेकिन ये फुली चार्ज है। मैं कल इसको जयपुर से लेके आया था। तो आज इस टेस्ट में जो मेरा साथ देने वाला है वो मेरे मामा का लड़का रविशंकर है। तो बताओ, आप बताओ कौन सी गाड़ी में टेस्ट परफॉर्म करें, सेल्टोस पे या फिर थार पे? तो थार भी करते हैं। थार को मैं कल ही जयपुर से लेके आया हूँ, फुली चार्ज्ड है भाई इसकी बैटरी। चलो भाई चलते हैं अंदर, मैं थार का सिस्टम आपको समझाता हूँ। इसमें हम यहाँ पे जैसे की फोब लगाते हैं ना अपना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑन करने पे आपका इन्फोटेनमेंट प्लस जो आपके एसी वेंट्स की हवा है वो आने लग जाती है, मतलब जो आपका एसी फैन है वो ऑन होता है। बहुत सी गाड़ियां होती है जिनमें एक सिंगल इस पे केवल इन्फोटेनमेंट चालू होता है, लेकिन यहाँ पे एसी वेंट्स भी हो जाता है। इग्निशन ऑन करने पे आपका एसी वेंट्स होता है दूसरी गाड़ियों में चालू, लेकिन थार का थोड़ा सा उल्टा सिस्टम है, इग्निशन में केवल आपका मीटर ऑन होगा, और जब मैं तीसरी बार इसको पुश कर दूंगा तो थार जो अपनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमको स्टार्ट वगैरह करने से मतलब नहीं है। प्लस यहाँ पे आप देखोगे बैटरी का कुछ भी इंडिकेशन नहीं होता कि बैटरी कितनी चार्ज्ड है, तो ये किसी भी कार में फीचर नहीं रहता कि बैटरी आपको बताए कि लेना देना भी क्या है बैटरी से, बस स्टार्ट करने के लिए बैटरी की जरूरत रहती है हमको अक्सर। तो यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं, हमको केवल जो काम रहेगा वो रहेगा केवल इन्फोटेनमेंट से, तो हम केवल इसको सिंगल इस पे रखेंगे, और जो अपना एसी हम इसको भी एकदम से ऑफ कर देंगे, हमको एसी से भी कोई लेने देना नहीं है। और यहाँ पे आप देखिए 1 आवर मोड करके आता है महिंद्रा की गाड़ी में, तो ये 1 घंटे तक ही केवल चलेगा। तो ये वाला सिस्टम रहता है जब आप आइडल स्टेशनरी गाड़ी पे रखोगे, तो थार पर्टिकुलर गाड़ी में 1 घंटे तक चलता है ये वाला सिस्टम, तो ये अपने बंद हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, फिर से इसको रिस्टार्ट कर देंगे, फिर 1 आवर मोड आ जाएगा। तो ऐसे 1 आवर करके हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। प्लस अभी मैं आपको टाइम दिखाता हूँ, 6:10 हो रहे हैं, हमने ये ऑन कर दिया है। थार में यहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 स्पीकर हैं, 2 ट्वीटर भी आते हैं। तो अभी चलाते हैं गाने और अपना सुनते हैं बढ़िया तरीके से गाने इसके अंदर। तो यहाँ पे हम अपनी स्टॉप वॉच भी स्टार्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ पे रख देंगे और मस्त तरीके से बताता रहेगा भाई ये कितनी देर हमने सक्सेसफुली गाने सुने। और यहाँ पे मैं विंडोज को रोल डाउन कर देता हूँ, एक मिनट, इग्निशन ऑन करके ना विंडोज रोल डाउन रहेंगी तो हवा आती रहेगी ठंड ठंडी, क्योंकि एसी यूज नहीं करेंगे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से हम ये टेस्ट करने वाले हैं। तो कोई भी भाई स्पॉइलर मत देना कमेंट्स में जाके कितनी देर चला, अब कह रहा हूं तो और उल्टा ज्यादा करोगे, तो प्लीज कृपया करके थोड़ा मेहनत का वो कर लेना भाई, कोई भी स्पॉइलर मत देना कमेंट में जाके कि इतनी देर इनके गाने चल पाए हैं थार के अंदर। तो यहाँ पे एप्पल कार प्ले करते हैं, चला दे भाई गाना। ऑफ कर देते हैं भाई, कोई लाइट नहीं जलेगी, केवल गाने, वो भी फुल आवाज में, जब तक चल पाएंगे देख लो, कोई लाइट वाइट नहीं जल रही है, और इसमें कोई भी बाहर से स्पीकर वगैरह नहीं डल रखे हैं, एम्पलीफायर वगैरह लग जाते हैं लोग आफ्टर मार्केट जो चीजें डलवा लेते हैं, उसके बाद भाई और असर पड़ जाता है, और ज्यादा बैटरी कंज्यूम होती है। मैं यहाँ पे स्टॉक जो कंपनी से आता है उसके साथ ही केवल टेस्ट कर रहा हूँ। और भाई मैं आपको एक और बता देता हूँ,
आप लोग कहोगे कि ये लोग कब तक ऐसे पागलों की तरह इसके अंदर ऐसे बैठ के गाने सुनते रहेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक ये बैटरी फुल डेड नहीं हो जाएगी, चाहे वो सुबह हो चाहे अगले दिन हो, तब तक हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है टाइमर, यहाँ पे ट्राइपॉड सा रख दिया है, गंदा हो गया, मैं यूज करता नहीं सारी चीजें, तो यहाँ पे मैं कैम इसको फिट कर दूंगा, आप लोग टाइम लैप्स एंजॉय करो। और हम लोग गाने सुन रहे हैं, जो गाना हम सुन रहे हैं ये हमारा फर्स्ट डेट, हमारे दो नए गाने लॉन्च हो चुके हैं, वो आप पीछे टाइम लैप्स के टाइम पे सुनते रहोगे, तो वही वाली बात पड़ जाएगी, हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलो, क्योंकि अगर ऐसे हम बनाने लगे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई देखना पसंद भी नहीं करेगा। एक घंटा हो गया भाई, देखो कैसा बढ़िया म्यूजिक बज रहा है हमारा, बंदर भी आ चुके हैं गाने सुन के कि ये कहाँ पे पार्टी चल रही है, कुछ लेडीज भी आ चुकी हैं देखने के लिए कि भाई कहाँ पे कैसे गाने से कहाँ पे बज रहे हैं। तो अभी हमारे इवनिंग स्नैक्स का टाइम है, तो हम लोग अभी यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स खा लेते हैं। इसका मूड पता भाई क्या, गानों का कुछ नहीं लेना देना इसको, इसको हमारे ये दिख रहे कचरे, तो फटाफट हम कचरे खा रहे हैं, हमारे गाने तो फुल स्पीड में बज ही रहे हैं भाई। इतना अच्छा गाना सुन के ये आ गया, इसने अपनी गैंग भी बुला ली और बंदरों की, इतने अच्छे गाने नहीं बनाने चाहिए सिंगरों को, इतना एंजॉय कर रहे हैं बंदर लोग, देखना कैसे बैठ गया बेचारा शरीफों की तरह, देखना देखो यार कितना शरीफ बंदर है। अब यहाँ पे थार का फीचर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही अपना एक घंटा पूरा हुआ है ना, म्यूजिक अपने आप बंद हो गया है, अभी आप देखोगे थोड़ी सी शाम सी भी हो गई है, तो यहाँ पे अब ये वाली समस्या है भाई इस थार के अंदर, हमको हर घंटे जैसे अभी हम लोग तो यहाँ पे बैठ के आराम से अपना अब बता रहे थे सारे भाई लोग, तो यहाँ पे हमको ना ये हर बार ऐसे स्टार्ट करनी पड़ेगी। देखो अब इग्निशन हमने कर दिया, पूरा ऑफ हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है एक घंटे बाद ही, तो हमको हर घंटे करना पड़ेगा। कोई नहीं, अब इसको इग्निशन को ऑफ करके हमने केवल स्टीरियो ऑन कर दिया, दोबारा से गाना चला देते हैं, यहाँ से फिर से बनावर मोड आ गया। देखो भाई जो तंग तंग कदे पर चीन खुली रहे, वा फैशन फरीक हाँ तेरे पे ढुली रहे, तने लिखण जो बैठू मेरी मुक जा दवा, तू मेरी मुक जा कलम मुक देना जज्बात, करा नवजा पे कब्जा मैं होगी हूँ मुरीद, मेरी आस और सांसे बटकी तेरे पे। यहाँ पे आप देखना भाई अपने दो घंटे पूरे हो चुके हैं देखो, और अब यहाँ पे दो घंटे पूरे होने के बाद ये ऑटो कट हो जाएगा, देखना अपने आप म्यूजिक बंद हो जाएगा, अब एकदम से बंद हो जाएगा, हो जा मतलब ये थोड़ा सा वैसे एकदम एग्जैक्ट नहीं चलाया था ना, देखना होने वाला होगा, दो चार सेकंड जा रहे होंगे इसको, तो दो घंटे हमने कम्प्लीट हो चुके हैं भाई, फुल आवाज में चला रखा है हमने। देखो 8:14 हो चुके हैं, देखो भाई 2:48 पे ये अपने आप बंद हो गया, जबकि थार के अंदर कोई नहीं है। देखो भाई अब यही समस्या है केवल, बस बार बार इसको यहाँ से, अब देखो अपने आप बंद हो गई, अब हमको दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी, फिर से वनार मोड आ जाएगा। ये भी खोल रखे हैं, पिछले वाला सब खोल रखा है, पूरा गांव सुन रहा है हमारे साथ, खूब लाउड स्पीकर है, इसके स्टॉक इतने भी बुरे नहीं है जितने लोग बताते हैं। रहूं तेरे मैं समा के जनू दीवे के मैं बात, घर की दलीज मेरी देखे तेरी बाट, तेरे हिस्से आवे राखी माने सांब टूम, तने देख करे जावे छोरा फ्यूचर अज्यूम, सांजा लाना सांजा खाना लागे नाम पछे राणा। अब भाई ऑलमोस्ट 9 बजने वाले हैं, 3 घंटे होने वाले हैं, अपने थार में नॉन स्टॉप गाने बजते जा रहे हैं, तब तक हम लोग रोटी खा लेते हैं। भाइयों आ जाओ, आप लोग भी खा लो। यहाँ पे होने वाले हैं भाई अपने 3 घंटे पूरे, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे अपने बज चुके हैं अभी 9, और अपने वीडियो भी आ चुकी है, तो सभी भाई 9 बजे एंजॉय करिए हमारी लेटेस्ट वीडियो ओनली ऑन यूट्यूब। और इसी के साथ आप देखोगे भाई हमारे 5 घंटे टोटल कंप्लीट होने वाले हैं, देखो 5 घंटे हो चुके हैं, वैसे टाइम 11:13 हो चुका है अभी भाई। यहाँ पे हम घर वाले गुथरे हैं हमसे, अब हमको ये डोर वोर बंद करने पड़ेंगे इसके, और हमने थोड़ी सी वॉल्यूम यहाँ पे आधी कर दी है, तो अभी भाई थोड़ा अब ना ये बंद कर दे, मतलब ये जो खिड़की विड़की है ना पहले पीछे की बंद कर दे। वैसे भाई हम ना इस टेस्ट को वैसे यहाँ पे छोड़ के दिन में भी कर सकते हैं, क्यों हम रात काली करें, पर भाई अब जोश चढ़ रखा है, अब जो चीज़ करनी है वो तो करनी है ही, तो 1 go में करेंगे, ऐसे नहीं कि अब आरकस कर जाएं फिर सुबह करेंगे। प्लस ये भी चीज़ मैं बता दूँ, ये बैटरीज का भी फ़र्क रहता है, विंडोज़ और चढ़ा दे भाई,
कि भाई कितनी पुरानी आपकी गाड़ी है, तो टाइम के साथ साथ जैसे वीक होती रहती है। मैं आपको बताऊं, डीजल गाड़ी में एवरेज जो लाइफ रहती है एक बैटरी की 4 साल रहती है। तो अभी ये कुल 3 महीने पुरानी धार अपनी, तो एकदम नई बैटरी है, तो हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको ड्रेन होने में और काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो अब ऐसा नहीं है भाई कि हम एकदम यहाँ पे वॉल्यूम डाउन कर देंगे, अब हमने शीशे इसलिए चढ़ाए हैं कि अब इसमें शीशों को बंद कर देंगे, अंदर ही अंदर बजता रहेगा, क्योंकि भाई ऐसा है ना गाँव का मैटर भाई, यहाँ तेज म्यूजिक नहीं बजा सकते, रात को खामा खा पड़ोसी आगे गुथे हमसे क्या फायदा। जल्दी बंद कर, 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 बस हो ना। हाँ अब नहीं आ रही बाहर आवाज। कैसे सो गया था क्या सो गो हम बे है? ये बज गए हैं रात के 12 जस्ट बजने वाले हैं, 2 मिनट में भूतों का आवाज स्टार्ट हो जाएगा। ये ना जो बोल रही बैटरी इसकी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। मेरा खेस एक पर एक गिर दा। लो भाई खाट बिछ गया हमारी, और यहाँ पे अब 12 बजते ही अभी हो गए 6 घंटे टोटल भाई, मतलब 6 घंटे तक गाड़ी की बैटरी बिल्कुल नहीं बोलती। और मैंने थार पता इसलिए सुनी है क्योंकि भाई इसकी बैटरी बहुत बड़ी है यार। तो कई बार क्या होता है ना, हम खाना पीना खा रहे हैं, रात रात भर कोई काम करते हैं, पानी लगा रहे हैं खेतों पे, तो भाई ऐसे गाड़ी में अपना गाने चला के सो जाते हैं यहाँ पे रात को, और थार खुद ही खुद अकेले अकेले अपना भीतर इंटरटेनमेंट कर रही है गाने सुन के, करण ओजला के गाने से बजा रखे भाई। यहाँ पे 2 बजे और 4 बजे का तो रवि ने अलार्म भर लिया है, और 3 का और 5 का मैंने भर लिया है, तो एक एक घंटे ये 1 आवर मोड ना इतना बेकार है, इसके अंदर हमको हर घंटे उठना पड़ेगा, तो 1 घंटे ये 1 घंटे मैं ऐसे इसको हम चेंज करते रहेंगे, लेकिन बजाएंगे पूरी रात भाई, ये पक्का वादा है। नास्तिक जो था आज आया माथा टेक, पहले पहले प्यार किया पहली पहली डेट, पेरी चेक वाली शर्ट जो तेरी फेवरेट, तने मिलने के चाम आज हो गया छोरा लेट, तू है किस्मत मेरी चालू गैल गैल तेरी, गैल भरेंगे गवाही रहे ये सारे चांद तारे, तू बैठी रवे शामी छोरा भरे जाऊंगा रे, वक्त अदब अंदाज दुनिया ते तेरे सारे, काल आख्या मेरे आंख तने पकड़िया जो हाथ, बस बस मैं ना रहा देख करे जो इशारे, बस बस मैं ना रहा। भाई सभी भाइयों को सुबह की गुड मॉर्निंग, टाइम आप देखोगे 7:16 हो रहे हैं फिलहाल, ये देखो मैं दिखाता हूँ, 13 घंटे 2 मिनट हो चुके हैं अपनी थार का टेस्ट चलते हुए, लेकिन जो ना जो भाई ये बैटरी भी इतने में आ रही है भाई, कैसी बैटरी बना दी, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही। मुझे नहीं लगता दुनिया में इतना लंबा कोई अपनी गाड़ी में बैठ के गाने सुनेगा भाई, और कब तक चलेगी ये कोई पता नहीं, हर घंटे हमने स्टार्ट करी है पूरी रात, और खींचते हैं इसके मीटर को कितना चलेगा, चल अब हम भी देखते हैं थार कितनी चलेगी तेरी बैटरी। भाई हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था ये इतना चलेगा, अब भी देखना 8 बज गए, 13.5 घंटे हो गए, मैंने सोचा था रात रात में अपना फुस सो लेगी, तो इसी के चक्कर में सोई भी नहीं, हमारी खाट पे आने लगी भाई धूप, हम भी इधर जाके सो रहे रवि अंदर। ये देखो भाई 11:42 रवि तो यहाँ पे सो रहा है, अभी मैं जाके देखता हूँ, बंद हो गया होगा पक्का, 1 घंटा हो गया उसको करे हुए। यार मेरे को समझ नहीं आता भाई ये 1 आवर मोड लगा के क्यों देते हैं, जब 16 घंटे तो इनको पता है कि बैटरी इनके आराम से चल जाती है, तो 1 आवर मोड फिर क्या सेंस बनता है। लो अब भी चल रही है बताओ, अब मैंने FM चला के छोड़ दिया क्योंकि धूप में गाड़ी खड़ी है ना, तब हीट हो रही है बहुत ज्यादा, तो फोन एकदम गर्म हो जाता है। 16.5 घंटे हो गए भाई, हमारे दूसरे टाइम की रोटी भी बन गई है, लेकिन जो ना जो इसकी बैटरी खत्म होने वाली, मतलब हम तो पहले खामा का डरते थे भाई कि इसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, घंटे भर में इंजन स्टार्ट कर लेते थे कि यार बैटरी वीक हो जाएगी, खामा का स्टार्ट नहीं हो गाड़ी। देखना भाई 17:22 हो गए नॉन स्टॉप चलते चलते इसके म्यूजिक को, अब भी बज रहा है। इसी के साथ 1 बज गया भाई, और क्या मस्त चौंधा पड़ रहा है भाई, कितना मजा आ रहा है भाई, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है बस पूछो मत ना। हम वैसे चाहे ना तो इसको अपना अंदर भी खड़ी कर सकते गैलरी में, पर वही स्टार्ट करेंगे फिर वो मन नहीं करता, जो चीज स्टार्ट करी उसको एंड ही करेंगे ना, और भाई हो जाएगा तब, मतलब आप ये समझो हम पहले ऐसे होंगे तो चाह रहे होंगे कि हमारी गाड़ी की बैटरी खत्म हो जाए। खैर मैं आपको बता दूं भाई आप ऊपर क्या कर रहे हो, ये तो भाई एंजॉय कर रहा है अपना, हेडफोन लगा के उठ चुका है, नींद भी इसकी पूरी हो चुकी है। मैं बता दूं अगर टूट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्पेयर पार्ट्स ना अपने boodmo.com से मंगवा सकते हैं। boodmo एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नई गाड़ी चाहे पुरानी गाड़ी है कोई भी अच्छा डिस्कंटिन्यू हो चुकी है आपको सब के स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं, जैसे उनकी वेबसाइट या ऐप पे जाइए वहाँ पे अपनी डिटेल्स भर दीजिए गाड़ी की जो आपको खुशी है, आपके घर पे सेफली डिलीवर कर देते हैं, तो इससे क्या होगा घर बैठे बैठे ना धूम में डोला ना कहीं पर जाना, अपना boodmo.com से मंगवा लो भाई जो भी चाहिए। और यहाँ पे हम तो मस्त म्यूजिक इंजॉय कर रहे हैं, दोपहर हो चुकी है,
24 घंटे तक हम इसको रखेंगे कि भाई 6 बजे स्टार्ट करा था, 6 बजे तक चल पाता है या नहीं चल पाता है, 6 बजे बंद कर देंगे भाई। दो रात कौन इसके पीछे गाने सुनेगा भाई। 18 घंटे 42 मिनट हो गए हैं, अब हम लोग का पेशेंस हो चुका है एकदम से आउट। अब हम अपना कुछ काम धंधा भी देख लेते हैं भाई। तो अभी हम क्या कर रहे हैं ना, किया को निकाल रहे हैं और हमको पलवल जाना है, तो हम पलवल इस किया को लेके जा रहा हूँ। तो मैं अपनी मदर को बता के जा रहा हूँ कैसे बनार मोड़ वाला करना है। यार ये महिंद्रा वाला ये बहुत गंदा सिस्टम है आपका। तो मम्मी जी एक बार आप इधर आओ मदर, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इतना नहीं, पूरा इग्निशन नहीं घुमाना, बस एक बार हल्का सा करना है। बाय भाइयों, 2-3 घंटे बाद मिलते हैं। टाटा। तेरा संगना भी प्यारा, मेरे रंग में यो तेरा रंगना भी प्यारा, तेरी सूरत भी प्यारी, तेरी सीरत भी प्यारी, मन्ने पीर ते दुआ में तेरा मांगना भी प्यारा। लो भाई अभी हम आ लिए घूम फिर के, अब चल के अंदर टेस्ट करते हैं। अब भी चल रहा है नहीं चल रहा है, आवाज सी तो आ रही है जैसे कुछ चल रहा हो। और अभी 4:30 हो चुके हैं, अब भाई आवाज ही तो आ रही है चलने की, मतलब हमारी मदर ने ढंग से कर दिया था। अब भाई बस ये 1.5 घंटे में खुश हुई तो हुई, वरना भाई 24 घंटे तक आप चला लो म्यूजिक आपकी कार में कुछ भी नहीं होता है, डरने को जरूरत नहीं। देखो लो भाई यार अब भी चल रहा है यार। कुछ टाइम और बाकी, बस 45 मिनट और बचा हुआ है भाइयों। कुछ तो है खास तने देख रुके सांस, इब तू भी तो बता दे जो ख्याल मेरे बारे, तू बैठी रहे शामी छोरा भरे। पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, टाइम हो रहा है 6:19 और ये हमारी थार स्टिल इसमें म्यूजिक बज रहा था। भाई कल हमारी जब धार कट रही थी भैंस की, तब हमने इस टेस्ट स्टार्ट करा था और अभी पूरे कंप्लीट 24 घंटे हो गए हैं। और अगर आपको टाइम दिखाया जाए तो आप यहाँ पे देखोगे ये 18:20 हो रहे हैं अभी। भाई हमको बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये 24 घंटे गाने चल जाते हैं गाड़ी के अंदर। भाई ये बैटरी है क्या चीज़ है, या तो भाई देखो ये नई बैटरी है ये रीज़न है कि भाई ये इतनी ज़्यादा चल गई, वरना भाई पता नहीं, देखना कितनी बड़ी बैटरी है इसके अंदर, यहाँ से दिखा रहा है 1 मिनट, मतलब छोटी है यार, ऐसे सारी डीजल गाड़ी में मेरे ख्याल से इतनी रहती है। और अगर इसमें थार में ये 24 घंटे चल गई तो किसी भी कार में 24 घंटे चल जाना चाहिए। तो फिर ये खामा खाई की जैसे हुंडई है या फिर किया है, खामा खाई की मतलब वो बोलते हैं क्या कि बैटरी डिस्चार्ज वार्निंग, मतलब इंजन रनिंग पे ही केवल स्टीरियो सुनो, या फिर थार में भी 1 आवर मोड, 24 घंटे कोई कम होते हैं क्या? मेरे को रियलिटी में एक्सपेक्टेड था रात रात में किसी भी टाइम बोल जाएगा, लेकिन 24 घंटे चल जाए ये तो नॉन एक्सपेक्टेड था। अभी भी पता नहीं कितनी देर चल जाए भाई, अब इससे ज़्यादा करने की हिम्मत नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा तो मेरे ख्याल से इस दुनिया में कोई सुनेगा भी नहीं गाड़ी के अंदर गाने बैठ के। चलो अब इसको ना 1 मिनट हम स्टार्ट करके देख लेते हैं, पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं। और यहाँ पे भाई ये देखो यार, तुरंत यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई है, तो बड़ा मजा आया भाई ये टेस्ट करके। अब तो हम तो डरेंगे नहीं, हाँ हालांकि अगर हम एसी वगैरह भी इसमें एसी फैन ऑन कर देते, कोई लाइट वगैरह छोड़ देते तो शायद और फर्क पड़ता, और अगर आफ्टर मार्केट सिस्टम भी रहता है एम्पलीफायर वगैरह तो भी फर्क पड़ सकता था। जैसे बेस ट्यूब वगैरह हम डलवा लेते हैं वो बहुत ज़्यादा बैटरी चूसती है, लेकिन अगर हम नॉर्मल स्पीकर सुनते हैं तो आराम से 24 घंटे 1 दिन 2 दिन आराम से गाड़ी चल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं है। अब भाई अपनी थार को छाया में खड़ी कर देते हैं, बेचारी कल से स्टार्ट है नॉन स्टॉप ये गाने सुनाए जा रही है, स्पीकर्स को भी थोड़ी सी राहत दे देते हैं। तो यही था भाई पूरा टेस्ट अपना 24 घंटे का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। वीडियो देने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।